सारे हैं तो स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अभी भाई उठ चुका हूँ और जो है भाई ये ड्राई फ्रूट्स हो गए अपने, तो भाई खा कर और अभी खाते खाते जो है भाई DTU चलते हैं। फिर आज करूँगा भाई रनिंग, रनिंग करके और अपना जो है लाइब्रेरी में से ट्रेजर और फिर घर पे आते हैं, देखते हैं क्या बना मिलेगा। तो भाई पहुँच चुके हैं अभी DTU में। ये भाई देख लो ग्राउंड है, सूरज भी आज तो आ गया भाई, आज लेट हो रहा हूँ थोड़ा। तो भाई चलते हैं आज, देखते हैं भाई बच्चे कितने क्या रहे। आज तो भाई ग्राउंड पूरा ही खाली दिखा है, मैं रनिंग मारूँगा एक दो राउंड जब मारूँगा भाई आज, या दो तीन जितने लगेंगे। तो चलो भाई चल भाई, आज तो देखो ट्रैक तैयार हो रहा है भाई, रनिंग वगैरह का कोई कॉम्पिटिशन होता होगा यहाँ पर, तो देख लो भाई पूरी पट्टी पट्टी सब लगा दी, चुना जो हुआ भाई वो डाल दिया है। आज जो है रनिंग होगी भाई इस पर, देख लो साफ सुथरा कर दिया बिल्कुल। तो भाई आज जो है थोड़ा सिंथेटिक ग्राउंड पर लगाना लग रहा हूँ भाई, और इससे पहले एक ग्राउंड इस पर लिया, देख लो भाई कितना बड़ा चक्कर है। तो भाई अभी जो है यो कंप्लीट करता हूँ, अपना रनिंग हो गया कंप्लीट। अभी जो है भाई घर पर चलेंगे एक बार लाइब्रेरी में सीट रिजर्व करके। तो भाई आज ही राउंड मारा बड्डा, उसके बाद भाई ये राउंड मारा और भाई ख़त्म कर दिया ये दोनों जो है राउंड मार के। और भाई पीछे देख लो DTU स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आपने उल्टा दिखता हुआ भाई सीधा दिखाऊँ। तो ये देखो भाई नज़ारा DTU स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लग गया ना भाई गजब तगड़ा। गाइस मैं आ चुकी हूँ कॉलेज में और ये देखिए कोई प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टेंट लग रहे हैं, अभी तैयारियाँ हो रही हैं यहाँ पे। तो मैं अपने लैब के बाहर ही हूँ अभी, ये DJ के लिए है, यहाँ पर हमारा फेस्ट होता है। तो आज है डांडिया नाइट्स, तो शाम को है वो प्रोग्राम स्टार्ट 4-5 बजे से, वो मैं आपको तब दिखाऊँगी। अभी के लिए यही देख लीजिए कि अभी स्टार्ट होने का है। लिफ्ट बन जाएगी ना बिल्कुल हमारी लैब के बाहर, हमारी मौज हो जाएगी। देखो अभी ये बन रही है, बनी नहीं है, तैयार होने वाली है, बस इसमें मिरर लगने बाकी है। तो देखो तैयार हो जाएगी, तो देखो ये हमारी यहाँ से लिफ्ट होगी, यहाँ पे हमारी लैब है। तो मुश्किल से 5-10 मीटर ही है, ये हमारा मेन कैंपस। तो अभी तैयारी चल रही है, शाम को आते हैं हम, अभी तो इतने कुछ काम कर लेंगे, आज लैब भी है तो बच्चे तो आएंगे ही नहीं क्योंकि प्रोग्राम है, बट फिर भी जाना तो है ही। खेल ही रहे हैं। सो गाइज आज हो रहा है यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, मैं भी आपको दिखाती हूँ आगे जाके। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं, ये देखिए है बास्केटबॉल मैच। सो ये है गाइस इंडोर हॉल, यहाँ पे हो रहा है टेबल टेनिस और बैडमिंटन का मैच, मैं अभी दिखाती हूँ। ये क्या मिल रही है आरती? यहाँ रिफ्रेशमेंट मिल रही है बच्चों। ये देखो ये बच्चों को मिल रही है रिफ्रेशमेंट, यानी कि बनाना। बाकी अभी हम आगे चलते हैं क्रिकेट ग्राउंड की तरफ।
एसटीटीयू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये देखिए, ये है रनिंग ट्रैक्स, ये ट्रैक है जिस पे सुबह पारस रनिंग करता है। 200 मीटर के, 400 मीटर के, 800 मीटर के, इस तरह से ट्रैक्स हैं। ये हमारा डीटीयू का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये देखो भाई, ये ट्रैक ही बना हुआ है यहाँ पे पूरा, और वो बीच में बच्चे जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर काफी मैच हो रहे हैं, जो भी हैं यहाँ पे कोर्ट सारे मैच हो रहे हैं, आप देख सकते हो। ये देख लो, अच्छे से मैच देखो, छक्के लग रहे हैं। ये देखो भाई, वहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी है, वहीं चलते हैं अभी। बच्चे भाई अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं यहाँ, कितनी धूप में खेल रहे हैं। देखो, हमारे डिपार्टमेंट का तो अभी नहीं हुआ है, जब हमारा होगा हम भी पार्ट लेंगे। ये देखो भाई, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अरीना है, इंटर डिपार्टमेंटल। ये कमेंट्री सुन लो इनकी। केले चाहिए, केले दिला दूं? केले? केले हाँ, वहाँ पे खा लेना। चलो केले हाँ। दिला दो। ये अंकल जी भी बहुत अच्छे, इन्होंने हमें दूध की बोतल दी है। ये यहाँ पे काम करते हैं, बहुत अच्छे अंकल, बहुत ही अच्छे। ये देखो, यहाँ पर ये इनॉग्रेशन, अभी ये हमें देंगे खाने के लिए। बनाना भी बोल रहे हैं, अभी ला रहे हैं हमारे लिए। और ये बॉटल्स इन्होंने दे दी हैं दूध की। तो ये है पूरा सेरेमनी का। इतने? हाँ, और जी? नहीं नहीं बस, थैंक यू सो मच। ये ले आरती। ये देखो भाई, ये अंकल जी हमारे लिए ये बनाना लेके आए हैं, कितने सारे। ये देखो भाई, यहाँ भी क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। ये भाई कबड्डी का शायद ग्राउंड। ये है वॉलीबॉल कोर्ट। ये देखो, यहाँ पे वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जज टीम बैठी है बीच में। तो हर एक कोर्ट में मैच हो रहा है। ये सभी अपने टी शर्ट पहने हुए हैं अपने गेम के अकॉर्डिंग। ये बढ़िया फीलिंग होती है बेटी टीम में, ऐसा लगता है जैसे प्रोफेशनल मैच हो रहे हैं प्रॉपर। ये देखो, ये है बास्केटबॉल कोर्ट, तो यहाँ पे बास्केटबॉल का मैच हो रहा है। वो जज टीम बैठी है उधर, ये देखिए। ये मैं मैच में इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती ना, इसीलिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में खड़ी हूँ। इनका ये पूरा का पूरा ग्राउंड होता है ना, जो खेलते हैं बच्चे। ये गोल। ये भाई, बाकी बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये अपना नॉर्मल ग्राउंड में कर रहे हैं, इनका भी मैच नहीं हुआ है। ये देखो भाई, ये है लॉन टेनिस।
अंदर टेबल टेनिस था इंडोर के अंदर, ये है लॉन टेनिस। तो ये हर जगह देखो अलग अलग कोर्ट में अलग अलग मैच हो रहे हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे मैच दिखा दिए हैं। ये जो हैं बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ भी मैच हो रहा है। ये देखो गाइस हमने पूरा का पूरा अपना ग्राउंड देख लो कंप्लीट कर लिया, इतना चल लिया हम। एक राउंड तो हम भी लगा ही आए हैं। अब धूप बहुत है भाई, हम मैच देखेंगे नहीं, हम जा रहे हैं वापस लैब। ये भाई फिजिक्स डिपार्टमेंट के भी बच्चे हैं इसमें कुछ, क्योंकि ये इंटर डिपार्टमेंटल है ना, तो किसी भी डिपार्टमेंट के ले सकते हैं भाई। हम तो इतने अच्छे प्लेयर नहीं कि दूसरे डिपार्टमेंट से भी टकरा जाएँ, इसलिए हमने तो लिया नहीं इसमें पार्ट। तो ठीक है गाइस हम तो चल रहे हैं लैब में, ज़्यादा देर धूप में नहीं रुकते। ये देखो गाइस तैयारियां शुरू हो गई हैं डांडिया नाइट्स की, डेकोरेशन हो गई है और बाकी फूड स्टॉल्स भी लग रहे हैं। बाकी अभी जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा जब जाएंगे नीचे। सो गाइस ये देखिए फंक्शन स्टार्ट हो गया है। बट मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगी क्योंकि डांडिया नाइट जो है वो नाइट में है। अभी तो जो कॉलेज स्टूडेंट है उनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी। ये देखो मैं अपनी बिल्डिंग के बाहर ही हूँ, अपने लैब के कितने दूर से शूट कर रही हूँ मैं आईफोन के मज़े। तो गाइस फंक्शन हो गया स्टार्ट, अब मैं जा रही हूँ नीचे। ये देखिए आज जो है स्पोर्ट्स मीट भी देख ली और अब जो है फंक्शन चल रहा है, यानी कि फेस्ट चल रहा है डांडिया नाइट्स, बट इसमें लगेगा टाइम। तो अभी जो है हम तो निकल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है डांडिया नाइट्स से पहले जो है मिस्टर एंड मिस फ्रेशर निकालेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो अभी हम तो जा रहे हैं, देखो डीडीयू ऑलमोस्ट खाली है और सिविल में जाना है मेरी बायोमेट्रिक लगवाने, वो तो लगानी पड़ेगी। तो हाँ ये मगे निकल रहे, तो सिविल में जाके पहले अटेंडेंस मार्क करनी है, बायोमेट्रिक करनी है, उसके बाद हम जाते हैं रूम। सो गाइस आज हमारा कुछ बनाने का तो ना टाइम था ना मन था, तो इसीलिए हम ले रहे हैं यहाँ से नवरात्रि की थाली BTW से, और ये पारस के लिए है। पारस क्या लिया आपने? मैंने समोसा और एक है क्रीम रोल, मलाई रोल, मलाई रोल ये लिया इसमें अपना। बाकी देखो मेरा आ रहा अभी नवरात्रि की थाली, उधर पैक हो रही है। यहाँ से ले लिया हमने नवरात्रि की थाली और ये पारस के लिए समोसा और मलाई रोल। चले लेट्स गो। आ जा चलो, यहाँ हमारी स्कूटी पार्क। सो गाइज अभी पहुंच चुका हूं रूम पे और भाई दीदी भी आ गई है साथ में, दोनों रूम पे पहुंच चुके हैं। और भाई ये देखो थाली है,
अभी आपको दिखा देता हूँ भाई क्या क्या लेके आया BTW। ये अपनी थाली, इसमें तो देखो भाई इसमें जो है सूखे आइटम पूरी होगी और भाई इसमें पापड़ मिलेगा उसका, ये साबुदाने का पापड़ हो गया और भाई ये है हमारी थाली। भाई इसमें तो कुछ चिल्ड आइटम भी दे रखा है दी आज, हाँ मीठा होगा। तो भाई ये देखो थाली, हाँ ये चमचम टाइप सा है, खोलना दी एक बार। तो भाई ये देखो ये सारी बिल्कुल अच्छे से पैक करके देते हैं एक एक चीज। और ये वाला व्लॉग गाइस दो पार्ट्स में आएगा आज, फेस्ट का, फ्रेशर पार्टी का। इतने आप भाई ये देखो मेरा, ये थोड़ा चमचम टाइप सा है, तो ये है मलाई रोल। ये देखो भाई ये है मलाई रोल मेरा, और ये है भाई मेरा मोसा, मतलब समोसा। भाई आज हम लेट इतना हो गए तो कुछ बनाया नहीं हमने। ये देखो भाई कितने अच्छे से पैक करके दे रखा है, एक समोसा भी, और भाई ये है हमारी चटनी। तो भाई ये है आज का डिनर, तो देख लो भाई। दीदी कर रही है भाई पूजा, अभी पूजा करेगी। सो गाइस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई।